मारू भाषण शुरू करू पहला हूँ आपने बे विनती करवा मागू छू। आ कार्यक्रम पूरा थया पछी आप जरूर ब्रिज पर जरा लटार मारो अने एना बन्ने छेड़े जे चार उत्तम कलाना नमूना छे जेमा परम पूज्य गुरुजी ना नाम साथे जोड़ायेला ब्रिज छे ए जीवन केवु हतु एने जम समझवा ओळखवानो एक अवसर मळशे। डाबी बाजू चालो तर जमणी बाजू जोजो, जमणी बाजू चालो तर डाबी बाजू जोजो, एने जोवानी पद्धति ए छे तो तमने चित्र संपूर्ण संभळाय। अने जेमणे आ कला साधना करी छे ने उत्तम नमूनो उत्तम कलाकृति तरीके पूज्य गुरुजीना जीवन आबेहूब चरित्रार्थ करी बतावी छे एवा भाई श्री राज सागरा ने विनंती करू। आम तो हूँ अवारनवार तमारी वच्चे आवु छु अने कोई ने कोई नवू काम लईने आवु छु। आजे एक ज दिवसमां 45 करोड़ रूपियाना कामो भूतकाळमां आखा अमदावादनुं बजेट 45 करोड़ नहोतुं, आजे एक दिवसमां 45 करोड़ रूपियाना कामो। आजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नो जन्मदिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजाद हिंदुस्तान में लोकशाही नी प्रक्रिया केवी होय, राष्ट्र माटे नु चिंतन शु होय, देश ने केवी आर्थिक सामाजिक रचना आजाद हिंदुस्तान ने माटे अनुरूप होय, भारत ने सांस्कृतिक विरासत में रसकस लईने हिंदुस्तान ने आधुनिक बनावा माटे नु दर्शन कयू होय एवा एक चिंतक महापुरुष हता। अविरत रीते समग्र भारत में भ्रमण करीने मां भारती नी उपासना करीने आ देश ना करोड़ों करोड़ों नागरिकों ना जीवन नी आवती काल उजाड़वा माटे पोतानु मन बुद्धि शरीर एने खपावी दीधुं। अने आजे जोगानु जे आनंद ए वातनो छे के परम पूज्य श्री गुरुजी ना नाम थी बनेल आ गुरुजी ब्रिज नु उद्घाटन थाय अने ए पण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ना जन्मतिथि थाय अने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुजी ने जे स्वयंसेवकों पर अतिशय भरोसा हतो, जे स्वयंसेवकों ना भरोसे जे आवती काल जोई सकता हता एमाना प्रथम कोटिना स्वयंसेवक एटले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हता अने एमना जन्मतिथि गुरुजीना ब्रिज नु उद्घाटन एक उत्तम जोगानु जोग उभो थयो छे अने एना माटे मने मनोमन एक आनंदनी अनुभूति थाय छे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीए जयारे जनसंघ नी स्थापना करी हती त्यारे एमणे परम पूज्य गुरुजी ने कह्युं हतुं
कि जो मेरे पास पांच दीनदयाल होए पांच, तो हूं हिंदुस्तान की शकल सूरत एक दशका में बदली नाखो। आप कल्पना करी सको छो का केवु विरल व्यक्तित्व हशे। गई शताब्दी ना त्रण महापुरुषों जेमनु राजकीय सामाजिक आर्थिक चिंतन आ देश में लांबा समय सुधी प्रभाव पैदा करनारु छे। कदाच हिंदुस्तान नी आगामी सदियों सुधीना लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पाया में आ त्रण महापुरुषों नी राजकीय सामाजिक आर्थिक चिंतन एक धरोहर रूपे समयानुकूल वातावरण अनुरूप प्रभाव पैदा करनारु रहेवानु छे। ए 20वीं सदीना त्रण महान चिंतको एक पूज्य महात्मा गांधी, बीजा राम मनोहर लोहिया अने त्रीजा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आ कोटिना महापुरुष जेमनु आर्थिक सामाजिक राजकीय चिंतन हिंदुस्तानी लोकशाही प्रक्रिया नो एक मजबूत पायो बनी रहेवानो छे। अने शताब्दीओ सुधी राजकीय जे के प्रवृत्तिओ चालवानी छे ए विचारना प्रकाश में चालवानी छे। एवा चिंतक एवा महामनीषी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ना जन्मदिवसे आदरपूर्वक नमन करू छू एमना महान जीवन ने। अने ए शुभ दिवसे आजे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना मित्रोए अने गुजरात सरकार ना गृह विभागे जे कार्यक्रमों नु आयोजन कर्यो ने एमां मने आजे आवानो अवसर मळ्यो। हुं आ बंने एकमोने एमना करता धरता सौ मित्रोने अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन आपू छू। आजे त्रण पोलिस संबंधित कामों ना उद्घाटन थया, एमां एक सेक्टर ऑफिस छे, बे पोलिस थाना छे। कॉलेज ना मकान न होय एवा पोलिस ना मकान होय, हॉस्पिटल नु भवन ना होय एनाथी उत्तम भवन। घणीवार आपणे पोते पण सारा कपड़ा पहेरीए ने तो आखो दिवस आम सरखा रहेवानुं मन थतुं होय छे, एनी असर होय छे। एमां सारा भवनोनी असर पण समग्रतया पोलीस बेड़ा उपर प्रभाव पैदा करशे एवो मारो विश्वास छे। एमांथी कामनी चेतना जागे, प्रेरणा जागे। जे आपणा शरीर पर पहरेला कपड़ा आपणा में चेतना प्रगटावता होय छे एम आ प्रकारना भवनो, आ प्रकारनी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आ प्रकारनी व्यवस्थाओ ए समग्रतया चेतनाने बदलता होय छे।